लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्लावर सरफेस मेकिंग, तो आज हम देखते हैं ब्लावर सरफेस सॉलिडिफाई। तो हमने ये ब्लोअर का एक सरफेस क्रिएट किया, अब हम सारी सरफेस को मर्ज करते हैं और उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए अब हमारे पास इतना है, हम क्या करते हैं अभी इसको और इसको दोनों को हम मर्ज करते हैं, देन प्रेस ओके अगेन, ये और ये दोनों को मर्ज कर दिया, पूरी सरफेस मर्ज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लास्ट मर्ज, देन इसको हम ठीक करेंगे। इसकी डायरेक्शन देख लेना और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो 0.125। यहाँ से आप देख सकते हो ये ठीक हो रहा है, मतलब सॉलिडिफाई हो रहा है, देन प्रेस ओके। तो ये आपका एंड ब्लोअर हो गया। तो मतलब आप सरफेस, अगर आप ये एक्सट्रूड स्वीप रिवॉल्व कमांड का यूज करके आप ये नहीं बना सकते, ठीक है, जो आप सरफेस फीचर का यूज करके इजीली बना सकते हो। ये टॉप जो कॉम्प्लेक्स कर्व है वो सब इसमें आप दे सकते हो और इसकी मदद से आप ये बना सकते हो, वरना एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वीप और स्वीप ब्लेंड से तो ये बहुत मुश्किल है। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाने होते हैं तो आपको सरफेस मॉडलिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये सरफेस मॉडलिंग की मदद से आप हमने बनाया हैंड ब्लावर, जो हमारा था ट्यूटोरियल 2। तो ये हमने ट्यूटोरियल 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, आपको ये 3D मॉडल ऐसा सरफेस की मदद से बनाना है जिसके डायमेंशंस पार्ट डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो आप सरफेस की मदद से ऐसा बनाओगे, जो वो है आपका एग्जांपल। ओके, तो कंक्लूजन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वेप्ट एंड ब्लेंड की मदद से सरफेस फीचर बनाया, देन क्रिएट फ्लैट सरफेस जो हमने फिल की मदद से बनाया था, क्रिएट राउंड बिटवीन टू सरफेस, देन मर्ज टू क्विल्स, मतलब हमने दो सरफेसेस को मर्ज करना देखा, देन क्रिएट अ टीम्ड फीचर ऑन अ सरफेस, मतलब कुछ कट करना है, जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कटआउट्स दिए थे वो ट्रिम्ड किया था, देन क्रिएट सरफेस फ्रॉम बाउंड्रीज, तो मतलब जो ब्लेंड फीचर था वो जो यूज किया था वो है क्रिएट सरफेस फ्रॉम बाउंड्रीज, देन क्रिएट अ सॉलिड फीचर फ्रॉम मर्ज क्विल्ट। तो ये था कंक्लूजन। तो आज हमने देखा ब्लावर सरफेस सॉलिडिफाई।